नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने शनिवार 24 फरवरी को ज्वाइंट ऑपरेशन में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तारी किया है, साथ ही इनके पास से ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल आने वाले 50 किलोग्राम स्यूडो इम्प्रेडाइन केमिकल जब्त किया है। एनसीबी ने कहा कि ड्रग तस्करी नेटवर्क के मास्टरमाइंड की पहचान एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में की गई है। वह अभी फरार है। प्रोड्यूसर और उसकी गैंग ने सिर्फ 3 साल में करीब 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स की तस्करी की है। यह केमिकल मिक्स्ड फूड पाउडर और सूखे नारियल में छिपाकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजा जा रहा है। एनसीबी के उप महानिदेशक डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने खुलासा किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने एंटी नारकोटिक्स एजेंसी को बताया कि उन्होंने पिछले 3 सालों में कुल 45 स्यूडो इम्प्रेडाइन शिपमेंट भेजे थे। इन शिपमेंट में लगभग 3500 किलोग्राम स्यूडो इम्प्रेडाइन था, जिसकी अनुमानित कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ज्वाइंट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड के अधिकारियों की सूचना पर एक्शन लेते हुए इस नेटवर्क को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले दोनों देशों के अधिकारियों ने सूचना दी थी कि भारत से सूखे नारियल के पाउडर में छुपाकर बड़ी मात्रा में स्यूडो इम्प्रेडाइन वहां भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने DEA से सूचना मिली कि इन कंसाइनमेंट का सोर्स दिल्ली है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।